हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आईसीआर का पेपर हुआ है 16 और 17 तारीख को, तो ये पेपर हार्ड था या इजी था। इन दोनों सवाल के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आज के पेपर में आए थे। तो चलिए देखते हैं इस डेटा के अकॉर्डिंग। ये है 16 तारीख वाला एग्जाम, और इसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, हेलो गाइस आज का पेपर कैसा था। यहाँ पर हार्ड, इजी, मीडियम और योर ओपिनियन, चार ऑप्शन थे। अधिकतर बच्चों ने जो आउट किए हैं वो किए थे हार्ड को। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 66% स्टूडेंट्स ने बताया कि पेपर हार्ड था, और वाकई में पेपर हार्ड भी था। इसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आते हैं, इसमें से करीबन करीबन 30 से 35 क्वेश्चंस मैच वाले थे, जिनमें आपको मिलान करना था, इस तरीके से आपको मिलान करना था। तो कहने का मतलब है एक क्वेश्चन के अंदर आपके चार क्वेश्चन निकल गए। कितने क्वेश्चन निकल गए? चार, जिसकी वजह से आपका पेपर हार्ड हो गया और अधिकतर जो समय था वो आपका एग्रीकल्चर में लग गया। आगे बढ़ते हैं, आज के एग्जाम की बात करते हैं हम। 17 तारीख, ये 16 तारीख का था। 17 तारीख के एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर एक पोस्ट मैंने अपलोड किया है जिसमें मैंने लिखा था, हेलो गाइस आज का पेपर कैसा रहा। 17 सितंबर 2020 का है, और यहाँ पर भी चार ऑप्शन थे, इजी, हार्ड, मीडियम, अपने खुद की राय दे। तो यहाँ पर अधिकतर बच्चों ने इजी बताया है 44%, क्योंकि आज जो मिलान वाले क्वेश्चन थे वो नहीं थे, बहुत कम क्वेश्चन थे। और 25% लोगों ने कहा है कि हार्ड था, और 17% लोगों ने कहा है कि मीडियम था। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, बाकी कुछ बच्चों ने कमेंट करके बताया भी है, तो आप इन कमेंट्स को पढ़ सकते हो, ये चैनल पर सारे के सारे अवेलेबल है। अब आज हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे आज के पेपर में। जो 16 तारीख को जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए थे, और आपने नीचे कम्युनिटी टैब में पढ़े भी होंगे, वीडियोस के नीचे जो कमेंट सेक्शन होते हैं उनमें आपने क्वेश्चन पढ़े भी होंगे। आज के क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मुझे कुछ स्टूडेंट ने सेंड किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर यह है 17 तारीख का, और कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। आज ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बता पाऊंगा, सोल्व नहीं करवा पाऊंगा। लेक्टोज परसेंटेज आपसे पूछा गया सिप मिल्क में। विच एनिमल इज अ नॉन एज ऑफ काउ, राजस्थान पूछा गया। सोइल बोर्न डिजीज ऑफ एनिमल कौन सी है? इसके अलावा स्लीपिंग सिकनेस कौन सी क्लास से रिलेटेड है? ड्यूअल पर्पज काउ ब्रीड है, लाइफ ऑफ बुल स्पर्म है, विच इज नॉट कैश क्रॉप है। इस तरीके के क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछे गए थे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन हैं जो मुझे स्टूडेंट्स ने सेंड किए हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, निम्न फलों का प्रकार बताइए, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार की किस्मों से कुछ क्वेश्चंस आए थे। मतलब बच्चों को जिस तरीके से याद है उस तरीकों से उन्होंने मुझे बताया है। भारत का कुल कृषि सिंचित क्षेत्रफल पूछा गया है। टमाटर की ट्रिपल रोधी किस्म पूछी गई है। आंवला, नींबू, चीकू में प्रवर्धन पूछा गया है। भेड़ में नर हुआ युवा भेड़ को क्या कहते हैं? हस्याकार सिंह किसके होते हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि पेपर आज का हार्ड था। आज का पेपर कल के पेपर की अपेक्षा बहुत इजी था। 2018-19 में गेहूं उत्पादन पूछा गया है। सो केस में TSS पूछा गया है। मौसम की दीर्घकालीन अवधि क्या कहते हैं ये पूछा गया है। अरहर की कतार से कतार की दूरी पूछी गई है। तो गाइस, ये आज का पेपर था जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा और भी यहाँ पर क्वेश्चन है, वेधशाला में अधिकतम जो तापमान है उसका आकलन कितने बजे करते हैं। गाय की द्विकाजी ड्यूअल पर्पज नस्ल आपसे पूछी गई है। सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल आपसे पूछी गई है, मुर्रा। इसके अलावा गर्भकाल कितना होता है, ठीक है, इन चारों पशुओं का गर्भकाल आपसे पूछा गया है। तो सब कुछ आपको वीडियो में बताया हुआ है, और जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने आज मुझे बताया है उस तरीके से आज का पेपर बहुत ईजी लग रहा है, क्योंकि जो 16 तारीख को जो पेपर हुआ था बहुत ज़्यादा हार्ड था। रीज़न क्या था? क्योंकि उसमें मिलान वाले, मैच करने वाले क्वेश्चंस थे। तो गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज का पेपर कैसा हुआ है, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपने पेपर दिया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस आपने देखे हैं, जो आपको याद हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। गाइज, आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद फ्रेंड।